हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव्स का डिज़ाइन। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ये, डबल अम्ब्रेला में और विद नेट के साथ। मैं आपको बताऊँगी इसी का फैब्रिक की मैं आपको जाली बनाना बताऊँगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव्स बना रही हूँ और इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख रही हूँ। अगर आपको दो स्लीव्स बनानी है इसमें तो आपको हर कपड़े को डबल कर लेना है बस। तो 10 इंचेस की मैंने लेंथ ली है और उसके बाद 7 इंचेस का मेरा आर्म होल है, तो मैं आर्म होल पे 7 इंचेस पे मार्क करूँगी और 3 इंच की इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगी जिससे गहराई होगी हमारी, और इसे एक एल शेप दे दूँगी। ओपन साइड आपके जो है एल साइड बनना चाहिए, एल शेप, और उसके बाद इसे एक इस तरीके से शेप दूँगी मैं स्लीव्स का ही। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है। उसके बाद मैं नीचे से इसकी मोरी लूँगी जो मैं 6 इंच लूँगी, तो 6 इंच पे मैं इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी इस पर, और उसके बाद इसे एक स्लीव्स का ही शेप दे दूँगी कुछ इस तरीके से। अगर आपको डिटेल में स्लीव्स कट कर लेना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। और इसे मैं कट कर लूँगी, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं इसे एक और कट करूँगी जो ऊपर से गहराई होगा। एक पल्ले को उठा के आपको इसकी गहराई देनी है, तो अगर आपकी दो स्लीव्स हैं तो दो पल्ले को आप उठाएंगे। तो उसके बाद मैं इसके नीचे का अम्ब्रेला कट करूँगी। तो अम्ब्रेला के लिए मैंने इस तरीके से 10 इंच चौड़ा और 10 इंच ही लंबा मैंने एक स्क्वायर शेप में कपड़ा लिया है फैब्रिक। उसके बाद मैं इसे एक इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दूँगी और इसे ऊपर से 1.5 इंच का मार्किंग करूँगी। और ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया था मैंने, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो 6 इंच की हमारी मोरी थी नीचे की, तो इस वजह से 4 पार्ट लेंगे हम 6 इंच का, तो वो 1.5 इंच हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमने जहाँ पे निशान लगाया था 1.5 इंच पे, वहाँ से हम 7 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से जब हम मार्किंग करेंगे तो ये हमारा अम्ब्रेला कट हो जाएगा। और अगर आपको दो स्लीव्स करनी है तो इसमें डबल कपड़ा लें आप, इतनी साइज़ का दो पीस ले लें आप, उसमें आपकी दोनों साथ की स्लीव्स बन जाएंगी इजली। तो मैं इस तरीके से इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा एक अम्ब्रेला कट हो चुका है, इसमें मैं डबल अम्ब्रेला बनाऊंगी, तो एक अम्ब्रेला छोटा बनाऊंगी इससे। तो मैंने एक और स्क्वायर शेप में कपड़ा लिया है जो मैंने 8 इंच चौड़ा लिया है और 8 इंच लेंथ में लंबा लिया है, उसे मैं इस तरीके से ट्राइंगल शेप में दे दूँगी और ऊपर से 1.5 इंच की इसमें मार्किंग करूँगी, क्योंकि पहले वाले में भी हमने 1.5 इंच लिया था। अगर आपका ऊपर का ये कम या ज़्यादा हो तो इसे आप और कट कर सकते हैं। तो 5 इंच का मैं इसे इस तरीके से लेंथ में लूँगी, 2 इंच छोटा लूँगी उससे पहले वाले से, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से कट कर लूँगी, ये देख सकते हैं आप। तो पूरा कट करने के बाद ये भी कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा जैसे पहले वाले ने हमारी शेप ली थी। तो ये दोनों अम्ब्रेला हमारा एक के ऊपर एक आएंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स के जो बीच में डिज़ाइन बनाएंगे, जाली बनाएंगे, वो 3 इंच चौड़ी जाली बनाएंगे हम इसके बीच में। तो मैंने एक अखबार का पीस ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने इस तरीके से ली है अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग ही, और लेंथ जो ली है मैंने 3 इंच ली है चौड़ाई। और इस तरीके से 1 इंच की पट्टी मैं ले लूँगी और इसकी मैं स्ट्रैप बनाऊँगी। तो इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है, ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके बीच में एक सिलाई दे देनी है आपको। तो मैंने स्ट्रैप बना ली है अपनी, आप ज़्यादा से स्ट्रैप बना लें। उसके बाद मैं इस पर क्रॉस शेप में इस पर स्ट्रिच करूँगी, तो स्ट्रिच करना मैं आपको दिखाऊँगी। ये कुछ इस तरीके से आपको इस पर स्ट्रिच करना है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। हर स्टेप को आपको कट कर लेना है और आप इसके अकॉर्डिंग लगा लें, चाहे तो 1-1 इंच का या 2-2 इंच का फासला लगा लें इंच टेप से, लेकिन मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप को लगा दिया है, अब मैं रॉन्ग साइड पे से इस तरीके से करूँगी तो ये क्रॉस बन जाएगा हमारा। तो मैंने ये अपनी जाली बना ली है, ये देख सकते हैं कितनी इजीली हमारी जाली बन चुकी है।
उसके बाद हम अम्ब्रेला का जो हमने दोनों कट किया था उसके नीचे का हमें फ़ोल्ड करना है, तो आपको रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर देना है इसकी किनारी को, क्योंकि किनारी से क्या है, इस पर आप इस पर बेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि बेल लगाने से और ही ब्यूटीफुल लगेगा, लेकिन मुझे बेल नहीं लगानी थी तो इस वजह से मैं इसे डबल फोल्ड कर दूंगी, या फिर आप इस पर पीको करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बारीक से डबल फोल्ड कर लिया है दोनों को। अब मैं इसे एक के ऊपर एक रखूँगी और इनका जो मुँह की साइड है इसे ऊपर से स्टिच कर लूँगी इस जगह पर, तो दोनों ये आपस में चिपक जाएंगे। तो ये मैंने इन्हें चिपका लिया है दोनों को, आई मीन सिलाई कर ली है इसके ऊपर। अब मैं अपनी जाली के ऊपर इसे इस तरीके से रखूँगी और ऊपर से एक स्टिच कर लूँगी, तो इसमें ये जॉइंट हो जाएगा जाली में। तो ये मैंने जॉइंट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी स्लीव्स में इसे जॉइंट करूँगी जाली को और अम्ब्रेला को। तो आपको जाली पे इसको इस तरीके से रख देना है और एक स्टिच कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पूरी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी साइड की सिलाई भी लगा लूँगी, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी और साइड की सिलाई लगा लूँगी इस जगह पर। तो मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसे राइट साइड पे टर्न करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर सी ये स्लीव्स लगेगी गाइज, ये देख सकते हैं आप। अंदर का आपको अखबार को निकाल देना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अखबार भी निकाल दिया है और हमारी स्लीव्स हो गई है तैयार। तो ये देख सकते हैं आप। अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।